concave mirror has a radius of curvature of 15 cm, a small boy of height 19 cm standing in the front of it at 10 cm. Find the location, nature, magnification and height of the image. इसका डाटा रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर है, एच इसका 19 सेंटीमीटर है, इसका डिस्टेंस इसका 10 सेंटीमीटर है और इमेज का डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, नेचर हमने फाइंड आउट करनी है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने फोकल लेंथ इसकी मालूम की है, हमने फार्मूला लगाया आर बाई टू, आर हमारे पास 15 है, 15 डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास आ गया 7.5। 1/f = 1/d0 + 1/di, ये फार्मूला वही है जो हम जो पुरानी बुक थी उसमें फार्मूला लगाते थे, 1/f = 1/p + 1/q, उसी तरह ये 1/p की जगह डी नॉट है और q की जगह डी आई है। तो बच्चों उस फार्मूले में हमने डी आई मालूम करना है, तो हम डी नॉट को ठाक दूसरी तरफ ले गए, -1/d0 / -1/di = f है, f हमारा 7.5 है वो पुट किया, माइनस डी नोट हमने 10 पुट किया है, दोनों का हमने एलसीएम निकाला, 7.5 और 10 का हमारे पास 75 आ गया और 10 माइनस 7.5 तो 1/di हमारे पास = 2.5 / 75। इसको हमने डिवाइड किया बच्चों तो हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन हमने मालूम करनी है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारे पास है DI/d0, डी आई हमारे पास अभी आया 13 सेंटीमीटर और डी नॉट हमारे पास 10 है, दोनों को डिवाइड किया, मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ गया 3। मैग्नीफिकेशन किया कोई यूनिट नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाता है, 9 यूनिट। आगे हमने मालूम करना है इसमें एच नॉट, तो हमारे पास इसका फार्मूला है H0/HI = D0/DI। तो बच्चों डी आई तो हमने एच आई को उठा कर डी नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और एच नोट के साथ डी आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों हमने एच आई मालूम करना है, HI = DI H0/D0। अब डी आई हमने अभी फाइंड आउट किया, हमारे पास जो आया 13 सेंटीमीटर आया वो हमने पुट किया था 13 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई एच नोट की वैल्यू हमारे पास है 90, डी नोट की वैल्यू हमारे पास है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 0 10 के साथ किया तो हमारे पास एच आई हमारे पास आ गया 217 सेंटीमीटर। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल हमारा जो एच आई आया है वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो इमेज हमारे पास जो बनी है वो रियल बनी है। नमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, अ 5 सेंटीमीटर टाल इन द लाइटेड कैंडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, द फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन नेचर एंड मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज। एच नोट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, डी नोट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है -6 सेंटीमीटर, डी आई हमने मालूम करना है, नेचर मालूम करनी है, मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है और हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है। हमने वही फार्मूला लगाया 1/f = 1/d0 + 1/di। तो बच्चों डी आई मालूम करना है, डी आई को उधर ही रहने दें, डी नोट को ठाक दूसरी साइड लेंगे, 1/f - 1/d0। तो बच्चों 1/di = f हमारे पास -6 है तो इसमें हम -6 पुट किया, -1/d0 की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारे पास 12 आया, 6 + 12 = 2 ऑफर जाता है तो 2 × 1 = 2, -2 - 1 ये आ गया हमारे पास -3 / 12। अब हमने दोनों तरफ उल्टा दिया क्योंकि हमने डी आई मालूम करना था, -12 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, इसको डिवाइड किया -4 सेंटीमीटर। और जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है हमारे पास DI/D0, तो डी आई हमारा वो 4 सेंटीमीटर अभी आया है 4 सेंटीमीटर। आगे बच्चों जो डी नोट है वो 12 सेंटीमीटर, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.333। ये जो माइनस है ये 4 की वजह से है क्योंकि हमारे पास जो 4 था वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो बच्चों आगे हमने फार्मूला लगा दिया H0/HI = D0/DI। तो बच्चों हमें एच आई मालूम करना था तो डी आई को मल्टीप्लाई कर दिया H0 = D0 एच आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच हमने मालूम करना था तो वो नेगेटिव साइन 4 है, डी आई H0/D0 बच्चों उसमें हमने वैल्यू पुट किया -4 × 5/12, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड किया हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.67। नेचर है इमेज की,
एच आई हमारे पास 1.61 सेंटीमीटर आ गया। नेचर है एम एज वर्चुअल इलेक्ट्रेड स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइंस आता है और नेगेटिव साइन की वजह से हमारे पास जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है और इरेक्ट स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। आगे हमारे पास नमेरिकल नंबर, गार इज स्टैंडिंग नियर कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, वेयर शोल्ड बी शी स्टैंडिंग ऑन द गेट्स रियल इन्वर्टेड 3 टाइम्स ऑफ द इन लार्ज इमेज वर्चुअल इरेक्ट 2 टाइम्स इन डिमिनिशेज इमेज। बच्चों फोकल लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, डी नोट हमारा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है। एच आई हमारे पास उसने खुद दिया है 3 एच नोट 3 टाइम्स, तो बच्चों एच नोट के नीचे डिवाइड कर दिया, एच आई डिवाइड बाई एच नोट इक्वल टू 3 आ गया। डी नोट मालूम करना है तो दूसरे जो उसने हमें दिया वो उसने हमें 2 टाइम दिया, तो एच नोट इक्वल टू 2 एच आई, एच आई के नीचे डिवाइड किया इक्वल टू 2 आ गया। एच नोट डिवाइड बाई एच आई इक्वल टू डी नोट डिवाइड बाई डी आई। अब हमारे पास पहली वैल्यू आ गई थी इसमें एच आई डॉट बाई एच नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारे पास एच नॉट डॉट बाई एच आई है उसके उलट है, तो हमने दोनों तरफ उल्टा दिया, ये 1/3 की इक्वल आ गई है, 1/3 इक्वल टू डी नॉट डॉट बाई डी आई। तो बच्चों हम डी आई निकालने, डी आई को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को डी नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोकस हमने अपना फार्मूला लगाया 1/f इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/di। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो 1/f इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/3d0, 3d0 हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 3d0 आ गया तो 3 + 1 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 4/3d0, 3d0 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, f को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, डी नॉट यहाँ से फाइंड आउट हो गया 4f/3। अब f हमारे पास जो आया था वो 15 आया था, इसमें हमने 15 पुट कर देना, 15 शुरू में से खुद दिया था हमें, तो हमने पुट कर दिया 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 किया, हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों आगे हमें बताना है इमेज इसमें भी इरेक्ट बन रही है और डिमेंशन इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर में इमेज नहीं बनती। अगर न्यूमेरिकल नंबर 4 है, लाइट रेज इंटर फ्रॉम द एयर ऑफ द वाटर एंड इक्वल टू 4/3 एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर इफ द लाइट रेज फ्रॉम द वाटर टू एयर एंड इंसिडेंट ऑफ 14 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर। बच्चों एन हमारे पास है 4/3, इन दोनों को डिवाइड किया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.33, एंगल उसने हमें 13 डिग्री दी है और आर हमने फाइंड आउट करना है। एन टू का फार्मूला है हमारे पास 3/4 को डिवाइड किया हमारे पास 0.75 आ गया। एंगल टू है हमारे पास 14 डिग्री और एंगल आर हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमने साइन फार्मूला लगाया एन इक्वल टू 1/sin i डिवाइड बाई साइन आर, साइन आर को उठा के एन की जगह ले गया, एन को साइन आर की जगह ले आए तो साइन आर वन इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई एन आ गया हमारे पास। साइन आर वन इक्वल टू साइन 30 डिवाइड बाई 1.33, साइन 30 निकाले 0.5 आ गया डिवाइड बाई 1.33। तो बच्चों साइन आर हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.375। आर वन है साइन को उठा दूसरी साइड ले गए, साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स लिया हमारे पास पहला एंगल आ गया 22 डिग्री। साइन आर टू इक्वल टू साइन आर आई टू डॉट बाई एन टू, जो वही फार्मूला है और इसमें हमने एंगल पुट कर दिया साइन 40 डॉट बाई 0.75, साइन 40 हमने निकाला है 0.64 डिवाइड बाई 0.75, इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.853। अब साइन को उठा के दूसरा ले गया, साइन इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स हमने लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 58.5। अगेन न्यूमेरिकल नंबर फाइव में लाइट रेज इज इंसिडेंट फ्रॉम द कोर एन इक्वल टू 1.42 एन टू है हमारे पास 1.33 एन कोर कलाइडिंग इंटरफेस, फाइंड द एंगल एट विच टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेस। एन वन है हमारे पास 1.42 एन टू है 1.33, एंगल हमने मालूम करना है, साइन का फॉर्मूला लगाया साइन थीटा इक्वल टू एन टू डॉट बाई एन वन, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.1
9, 3, 6। अब साइन को उठा दूसरा ले गए, साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स इसका लिया तो हमारे पास इसका आंसर 69.4 आ गया। आ गया न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में अब वाई इज़ लुकिंग एट द पेन थ्रू अ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस पिन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस, फाइंड द लोकेशन नेचर ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, पी हमने मालूम करना है, डी नॉट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, डी आई भी मालूम करना है, नेचर भी हमने मालूम करनी है। पी का फॉर्मूला 1/f हमारे पास है 10, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया, हमने निकाल लिया -10d। 1/f इक्वल टू 1/d प्लस 1/di। 1/di जो है उसको हमने इधर ही छोड़ दिया, डी नोट को हम उठा ले गए। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट किए, 1/d इक्वल टू 1/-10 -1/10, दोनों का सेम 10 आया, -1 -1 -2, इन दोनों को उठा दिया, 10 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, कटिंग किया -5 सेंटीमीटर आ गया। अब माइनस आ रहा है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। और अगेन न्यूमेरिकल नंबर 7, कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। दोनों फोकल लेंथ हमने लिख ली हैं, पावर दोनों हमने मालूम करें, पावर का फार्मूला होता है 1/f। जो 1/f है तो 1/p इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, तो पी हमारे पास इक्वल आ जाएगा बच्चों इसमें 10d के। दूसरी फोकल लेंथ हमने निकालनी है, दूसरी फोकल लेंथ हम निकालेंगे इसकी तो 1/f2 हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.67d। प्लेस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस और द पावर 10d द वेयर एंड ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट द गेट 3 times रियल इमेज 3 times वर्चुअल इमेज। पावर है 10d है, पावर इसकी डी नोट हमने फाइंड आउट करना है, एच आई हमारे पास है 3 h0, एच नोट को नीचे डिवाइड किया, एच आई डिवाइड बाई एच नोट इक्वल टू 3 d0 इक्वल टू ?। अब जो इसी तरह एच आई हमने मालूम किया तो एच आई इक्वल टू -3 h0, एच नोट को नीचे डिवाइड कर दिया, एच आई डिवाइड बाई एच नोट इक्वल टू -3। अब पावर का फार्मूला आपको पता है, 1/f की इक्वल होता है, एफ को उठा दिस साइड लेंगे, इक्वल टू 1/p आ गया, 1/p इक्वल टू 1/10 किया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.1 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दूसरे जो मालूम करनी है, एच नोट डिवाइड बाई एच आई इक्वल टू डी नोट डिवाइड बाई डी आई, 1/3 इक्वल टू डी नोट डिवाइड बाई डी आई। अब डी आई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को डी नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/f इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/di। अब बच्चों 1/f इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/3d0, दोनों का सेम लिया, 3d0 इक्वल टू 3 + 1, हमारे पास 1/f इक्वल टू 4/3d0 आ गया। 3d0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को f से मल्टीप्लाई कर दिया, 4f/3 आ जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड किया तो 13.3 सेंटीमीटर आ गया। बी पार्ट है इसका, एच नोट डिवाइड बाई एच इक्वल टू डी नोट डिवाइड बाई डी आई, वर्चुअल इमेज है उसने खुद बताया, 1/3 के इक्वल आ गया, इक्वल टू डी नोट डिवाइड बाई डी आई, डी आई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को डी नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों डी आई हमारे पास 3d0 है, अब फार्मूला हमने अपना लगा दिया, 1/f इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/di, 1/f इक्वल टू 1/d0 माइनस 1/3d0, दोनों का एलसीएम निकाला, 3d0 आ गया, ऊपर 3 - 1 आ गया, इनको माइनस किया, ये आ गया 2/3d0। अब डी नोट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डी नोट यहाँ से निकला है हमारे पास, इसका आंसर आ गया 6.67।